कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं फिर से एक कान्हा जी का सूट बनाने जा रही हूँ, जीरो नंबर जी के कान्हा जी के लिए सूट, क्योंकि जीरो नंबर के कान्हा जी के लिए हमें कपड़ा जो है मार्केट में बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है। जो भी हम खरीदने जाते हैं वो बड़े ही निकल जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमने टी शर्ट के लिए इस तरह से फैब्रिक लिया, उसको फोल्ड करना है कान्हा जी की लेंथ के हिसाब से। ज़्यादा लेंथ नहीं लेनी क्योंकि कान्हा जी का साइज़ बहुत स्मॉल है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंचेस की लेंथ ली है, 2.5 इंचेस की विड्थ ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे शोल्डर रख के इस तरह से कट करेंगे और फिर यहाँ पे स्टिच दे देंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है, अब यहाँ से हम नेक कट करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच देंगे, तो स्टिच देने के बाद ये हमारे पास चोली बन के रेडी हो गई है। अब बारी आती है पजामे की, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये 2x4.5 इंचेस का है। इसे हमने यहाँ पे फोल्ड करना है और यहाँ पे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इलास्टिक ऐड कर देंगे। नीचे से भी आप हेमिंग देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये फैब्रिक जो है इसमें हेमिंग की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। ये मैंने इलास्टिक ऐड कर लिया है, तो इसको अब हम नोट लगा लेंगे। जितनी कान्हा जी की कमर है उस हिसाब से नोट लगा लीजिए इस तरह से। नोट लगाने के बाद हमें उल्टी साइड टर्न आउट करना है और यहाँ पे स्टिच देना है। तो ये स्टिच हमने दे दिया है, ये देखिए। अब हम इसको सीधा टर्न करेंगे, यहाँ पे हम वी स्टिच लगाएंगे, वी शेप में कट करके स्टिच लगा देंगे या स्टिच देके फिर कटिंग कर देंगे। देख लीजिए, ये हम जो स्टिच दिया है इसको हम बीच में ले आएंगे और फिर यहाँ पे वी स्टिच दे देंगे, जिससे लेग्स बन जाएंगी। तो ये देखिए, ये पजामे बन के रेडी है। अब हम इसका लुक और भी एनहांस करने के लिए एक छोटी सी पट्टी लेंगे सेम फैब्रिक की, इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे, यहाँ पे स्टिच देके सीधा कर लेंगे, जिससे ये कुछ इस तरह की बन के निकलेगी। इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ पे हम लेस या पट्टी वगैरह ऐड कर देंगे, जिससे ये बिब सूट की लुक आ जाएगी। तो ये हमने बना के रेडी कर ली है, स्टिच दे दिया। अब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ इस तरह से, और एक हम लेस लेंगे, बारीक लेस लेनी है आपको, बहुत बारीक, उसको हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे ऐड करेंगे, इतना को पीस। देख लीजिए, 2 इंचेस का पीस हम लेस का, 2 इंचेस का यहाँ पे और 2 इंचेस का यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने स्टिच दे दिया है, यहाँ पे मैंने लेसेस अटैच कर दी है और ये पूरा का पूरा हमने इस पजामे के साथ अटैच कर दिया है। तो इस सूट का लुक कुछ इस तरह का आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये सूट पसंद आया हो तो अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे कृष्ण फ्रेंड्स।